एक गाय की आयु कितनी? 20 साल की। अब देखो ये लोग 20 साल की आयु बता रहे हैं, चलो हम 20 साल की आयु मान के चलते, मान लो 20 साल की आयु लेकर के आई वो गाय, है ना, वो कब? जब वो पूरा जीवन जी ले तब, है ना। अगर मान लो उसके लिए बीच में कोई रोग हो गया, उसको भोजन पानी नहीं मिला, कई बार आप देखते हो कि गाय वगैरह जो पशु होते हैं वो ऐसा कुछ भी ये गली के कूड़े उड़े कुछ भी खा लेते हैं, पन्नी कागज सब उनके पेट में पहुंच जाते हैं, फिर पेट में बहुत बड़ा ढेर लग जाता है, उससे उनका पेट जो है बिल्कुल ही एक तरीके से बड़ा होकर के उसमें कष्ट होने लग जाता है, और कई पशु ऐसे भी कष्ट से मर जाते हैं आपकी पॉलीथिन जो सड़क पर डली रहती है उनको खा खा करके, है ना। कईयों को अच्छा भूसा ना मिले, भोजन ना मिले तो मर जाते हैं, कई कई शीत ठंड हो उसमें मर जाते हैं, तेज गर्मी आ जाए तो उसमें भी पानी आने की अच्छी व्यवस्था ना हो तो भी मर सकते हैं। तो ये सब इससे जो मरेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अकाल मरण। अगर आपने गायों की रक्षा की, पशुओं की रक्षा की, तो इसका मतलब क्या किया कि आपने उन जीवों को अकाल मरण से बचाया, उन्हें अपनी पूरी आयु जीने दिया। ये बहुत बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि ये आयु पुण्य आयु मानी जाती है, शुभ आयु मानी जाती है। इसमें कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, चाहे वो त्रियंच गति में कितना ही छोटे से छोटा या बेकार से बेकार गति में गया हो, माने नाली का भी कीड़ा बनाओ तो भी वो मरना नहीं चाहता। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? कोई भी मरना, और फिर भी कोई मरना चाहे तो उससे ज्यादा कोई बेवकूफ, सही बात है उसमें क्या? जब पशु भी कोई भी अपनी आत्महत्या नहीं करना चाहता, अगर मनुष्य समझदार होकर के आत्महत्या करे तो इसका मतलब है कि वो पशु से भी गया बीता, उसके पास उतनी भी बुद्धि नहीं जितनी कि एक छोटे से कीड़े के पास होती, क्योंकि जो आयु मिली है उसे पूरा जीना चाहिए, और वह अगर आयु पूरे जी पाता है तो यह उसके लिए जो हम साधन बना करके रखते हैं, यह साधन उसके लिए एक तरह से अच्छा जीवन जीने के लिए एक साधन बन जाते हैं। तो इसी के कारण से वह पूरा जीवन जी लेता है, और वही पूरा जीवन जी पाना उसके लिए दुर्लभ होता है, हम उसके लिए उस जीवन की सुलभता बनाते हैं। यह गौशाला का या किसी भी तरह के जीवों की रक्षा करने का यह मुख्य उद्देश्य होता है कि ये जीव इधर उधर भटक करके कहीं कसाईयों के हाथ में पड़ करके मर ना जाएं, बीच में ही कोई कसाई इन्हें काट करके अकाल मृत्यु ना करा दे, इसलिए गौशाला आदि के माध्यम से इन जीवों की रक्षा की जाती है। यह उस गौशाला का मुख्य उद्देश्य होता है। सुन रहे हो? तो आयु पूरी जीना ये अपने आप में सबसे बड़ा अभय दान कहलाता है। इसको क्या बोला गया? हाँ, जीव भयभीत होकर के मरे ना, अपनी पूरी आयु जी करके मरे तो ये उसके लिए दान जो हमने दिया इसका नाम है अभय दान, उसके जीवन की सुरक्षा का दान, परेशान ना हो, अच्छे ढंग से अपना जीवन जी ले। इसलिए यह पशुओं की रक्षा इसलिए की जाती है।